share together. हाल ही में संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू के ट्रेलर ने लॉन्च होते ही लोगों में खलबली मचा दी थी। अब बायोपिक के चल रही रेस में एक और फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। जी हां, दिलजीत दोसांझ की फिल्म सूरमा का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर में दिलजीत रियल हीरो यानी कि हॉकी प्लेयर संदीप सिंह के कैरेक्टर में है। ट्रेलर में संदीप सिंह की जर्नी को दिलजीत ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को करने से दिलजीत ने मना कर दिया था? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो डेफिनेटली जैसे शाह सर ने मुझे बताया था थोड़ा पहले, तो बिलीव नहीं हुआ और मुझे लगा कि यार ये स्टोरी, पहले तो मैं स्नेहा मैम के पास गया, मैं कहा कोई भी फिल्म करा लो, फ्री में करा लो, हॉकी पे मत कराओ, बहुत मेहनत लगेगी और शायद मैं कर नहीं पाऊँगा, कोई और रोमांटिक या कोई ऐसा कुछ फिल्म करा लो। तो ये लोग बहुत कन्विंस थे, तो मैंने फिर स्टोरी पढ़ी सुनी, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं बहुत गलत डिसीजन लेता अगर ये फिल्म मैं नहीं करता फिल्म अपने करियर में। वहीं संदीप सिंह ने बताया कि वो शूटिंग के टाइम सेट पर ही होते थे और सारे सीन्स देख बहुत इमोशनल हो जाते थे। देखिए, जब भी मूवी शूट हो रही थी ऑल द टाइम हम सेट पे रहते थे, विक्रम पाजी और मैं, तो हमें एक ही चीज़ आता था कि ये चीज़ दोबारा हो रही है, लेकिन कर दिलजीत पाजी रहे हैं, लेकिन वो सेम डिट्टो कॉपी दोबारा दोहरा रही है मेरी लाइफ में। तो वो मूमेंट्स मेरे जो आज से 10 साल पहले 2006-2004 की जो जर्नी है, वो जो एक हार्ड टाइम था, वो दोबारा सामने से मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा महसूस होता था। आपको बता दें कि फिल्म में दिलजीत लीड रोल संदीप सिंह के कैरेक्टर में है। वहीं तापसी पन्नू और रंगत बेदी भी फिल्म में लीड करते नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट शाद अली ने किया है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।